जीवन में हमें हर रोज कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है और हर रोज हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हमें देती है। प्रकृति भी हमें इनडायरेक्ट तरीके से अलग अलग भाषा में हमको जीवन में प्रगति करने का और निरंतरता बनाए रखने का संदेश देती है। जैसे कि हमारे पास में जो घड़ी होती है वो घड़ी हमें सिखाती है कि जीवन में निरंतरता बनाए रखो और कभी भी इंतजार मत करो। जैसा समय हो, उचित हो, अच्छा हो, बुरा हो, पर हमेशा चलते रहो। तो अपना समय कभी वेस्ट मत करो। समंदर हमें सिखाता है कि अपने दिल को विशाल बना के रखो। विशाल दिल के अंदर आप दुखों को सहन करने की ताकत रखो। आपका बड़ा दिल ही आपको एक दिन महान बनाएगा। चींटी सिखाती है जीवन भर कर्म करते रहो, कर्म करने की ताकत पे भरोसा रखो। वृक्ष हमें सिखाते हैं जीवन में परोपकारी बनो, हमेशा डोनेशन का नेचर रखो, हमेशा दान करने की भावना रखो। और सूर्य सिखाता है हमें आप में वो तेजस्विता होनी चाहिए, आपके कर्मों की जो पराकाष्ठा होनी चाहिए। गुलाब हमें सिखाता है जिंदगी में कितना भी समय खराब क्यों ना हो, कितना भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, पर हमेशा अपनी मुस्कान को अपने पास में रखो और दुख में भी मुस्कुराते रहना सीखो। हम जो दीपक जलाते हैं हमें वो सिखाता है खुद जलकर दूसरों को रोशन करना सीखो। अपने कर्मों के दम पे, अपनी शक्ति और ओजस्विता के दम पे दूसरों के परिवार को उज्जवल करना सीखो, उनको रोशन करना सीखो। कोयल हमें सिखाती है जीवन में मधुरता होनी चाहिए, हमारी वाणी के अंदर और हमारे व्यक्तित्व में मिठास होनी चाहिए। हमारे गले में मिलने वाला कुत्ता वो हमें सिखाता है जीवन में अपने स्वामित्व के प्रति हमेशा वफादार बनो, अपने कर्मों के प्रति हमेशा वफादार बनो और अपने मालिक के प्रति हमेशा लॉयल बनो। और कौवा हमें सिखाता है कि आपको समय के हिसाब से, समय के अनुसार आपको चतुर होना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ चतुराई जरूर है और वहाँ पे कुछ चतुराई दिखानी चाहिए। दोस्तों, नेचर हमें इनडायरेक्ट भाषा में हर क्षण हर पल हमारे साथ रहती है और हमें सिखाती है कि हमें जीवन में निरंतर प्रगति करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से शॉर्ट्स वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।